बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए बना रहे हैं नहारी। ये मेरे पास बीफ का आधा केजी गोश्त है, मैंने धो के इसको रखा है, और एक दरमियानी प्याज ली है। अब मैं पतीली में ऑयल डाल के ये गोल्डन कर लूँगी प्याज को, और फिर मसाले डालूँगी और भून के फिर मैं ये डालूँगी गोश्त। पतीली को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। अब मैं इसमें 2 चम्मच ये भर के जो है ऑयल के डालूंगी, और इसमें फिर प्याज डालूंगी, उसे गोल्डन करूंगी। ये ऑयल मैंने डाल दिया है। अच्छा, नहारी में ऑयल ज़रा ज़्यादा ही होनी चाहिए, तभी नहारी का जो है टेस्ट भी अच्छा आता है और अच्छा भी लगता है। तो अब मैं इसमें डालूंगी प्याज, ये एक दरमियानी प्याज है, इसको मैं गोल्डन कर लूँगी। गोल्डन करके फिर मैं पहले गोल्डन कर लेती हूँ, फिर इसमें बाकी मसाले डालूंगी। ये प्याज जो है गोल्डन हो गई है, थोड़ी सी मैं निकालूंगी, ऊपर से डालूंगी नहारी में, और थोड़ी सी निकालूंगी और बाकी सी मैं रहने दूंगी, ठीक है। और इसमें अब मैं डालूंगी जनाब 2 चम्मचे अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 चम्मचे डालूंगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, एक छोटा है चम्मच, क्योंकि गोश्त भी मेरा जो है वो इसमें बाकी और मसाले डालूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, इसमें डालूंगी मैं नमक, और बाकी में जो मसाले डालूंगी बताती हूँ आपको। अब बाकी ये सारे मसाले मेरे सामने रखे हुए, ये सब पीस के मैं पतीली में डाल दूँगी जो मेरी नहारी बन रही है उसमें। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं देखें, ये जो है दालचीनी है, दालचीनी है, और ये है लौंगे, काली मिर्चें, लौंगे और काली मिर्चें, ये थोड़ा सा है ज़ीरा, ये तो इसमें ये चीज़ें हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है साबुत धनिया है, जायफल है, जवत्री है, और बादियान का फूल है, बड़ी 2 इलायचियाँ हैं, छोटी 4 इलायचियाँ हैं, और सौंठ है। तो ये असल में, और एक चमचा जो है सौंफ का है इसमें। ये चीज़ें जो है ना, जायफल, जवत्री, सौंफ, ये नहारी की मेन चीज़ है। तो ये हम सब पीस के, ये सारा मसाला जो है ये पीस के मैं पतीली में डाल दूँगी और फिर मसाला भूनूंगी। ये मसाले मैंने इसमें डाल लिए हैं, साबुत मसाले जो आपको बताए थे, और अब मैं इसको पीस के मसालों को उसमें डाल देती हूँ। ये सब मसाले पीसने के बाद, ये सारे मसाले जो मैंने आपको बताए थे पिस गए हैं, अब मैं इसमें पतीली में डाल दूँगी। ये मैंने चले गए पतीली में, और अब इसमें मैं 2 चम्मचे जो है ना वो डालूँगी दही के, और ये तो ये 2 चम्मचे चले गए दही के। अब मैं इसको अच्छी तरह मसाले को भून के, और फिर मैं इसमें डालूँगी जनाब गोश्त। अच्छा, हल्दी जायका मैंने इसमें नमक डाल दिया है, ठीक है, नमक डाल दिया है, जायफल, जवत्री, सौंफ और सौंठ, ये 4 चीज़ें बहुत नहारी के लिए अच्छी होती है। जब भी आप नहारी पकाएं ना, उसमें ये ज़रूर डालें। अब ये ज़रा सा मसाला भून जाएगा ना, तो मैं गोश्त डालूँगी इसमें, और बोनलेस है मेरे पास गोश्त जो है ना, बोनलेस है, ये गोश्त रखा हुआ है। अभी मैं डालती हूँ, ज़रा और भून जाए, थोड़ा सा भून तो गया है लेकिन और भून जाए। मसाला बहुत अच्छी तरीके से भून गया है, अब मैं इसमें गोश्त ऐड कर देती हूँ। ये बछिया का है, जल्दी गलेगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसके गलने में, क्योंकि ये बछिया का गोश्त है। तो बस अब मैं इसमें पानी डालूँगी और इसको गला के फिर इसमें बाद में क्या करना है, वो आटा घोल के डालना है, वो मैं बताती हूँ अभी आपको। तो पहले तो हम इसको पकाते हैं, जब ये ज़रा थोड़ा गल जाएगा तो फिर मैं इसमें आटा डाल दूँगी। ये आधा कप मैंने आटा ले लिया है, आधा कप आटा लेने के बाद ये मैंने बाउल लिया है, बाउल में पानी ले लिया है मैंने, और इसको मैं अच्छी तरह से घोल लूँगी आटे को, और घोलने के बाद जब वो गोल गल जाएगा थोड़ा ही सारे आटे को पकाना पड़ेगा डालने के बाद, वरना कच्चे का मज़ा आएगा, तो थोड़ा सा इसके साथ भी गोश्त को गलाना है। तो मैं ये आधा कप जो है इसको तैयार कर लेती हूँ। ये आटा हमने घोल के रख लिया है, अब मैं इसको गार्निश करने के लिए, जब तैयार हो जाएगी मेरी नहारी, मेरी नहीं गोश्त,
नहारी जब तैयार हो जाएगी तो फिर हम आपको उसको डेकोरेट करके भी बताएंगे किस तरह आप डिश में निकालें, उसके साथ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो बताऊँगी। नहारी के साथ जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो मैंने यहाँ रखी है प्लेट में, तो मैं भी देखती हूँ क्या सूरत हाल है उसकी नहारी की। लेकिन मैंने ये मसाला तैयार कर लिया है, तली हुई प्याज है, हरा धनिया है, लेमन और ये हरी मिर्च, तो ये नहारी में ऊपर से हम डाल के खाएंगे। चलें नहारी की खैरियत पूछते हैं कहाँ तक पहुँची। अब ये इसमें इस कंडीशन में, अच्छा इसमें जो ऑयल है ना ज़्यादा डाला था, अब मैं थोड़ा सा ऑयल इसमें से उतार दूँगी, क्योंकि आपको पता है जब हम आटा घोल के इसमें डालते हैं ना तो उसकी वो जो तरी होती है या जो उसका ऑयल होता है ना वो उसको सक कर लेता है, तो लिहाजा वो ऊपर से डालने के लिए मैं इसमें से थोड़ा सा ऑयल निकाल। अब ये मैंने थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया है और अब ये मैंने जो घोल के आटा रखा था ये थोड़ा थोड़ा करके मैं इस पर डालूँगी और इसको चलाती रहूँगी। तो ये घोल लिया है मैंने आटा और इसमें मैं चलाती रहूँगी ताकि ये नीचे से लगने ना पाए। ठीक है, अब थोड़ा सा डाल दिया, थोड़ा और डालूँगी, देख लेती हूँ ज़्यादा भी ना हो जाए। तो अभी थोड़ा सा मैं पानी और डाल दूँगी, इसमें थोड़ा सा आटा और डाल दूँगी, ये हो गया। अब मैं इसमें जरा थोड़ा सा पानी और डालूँगी, इसको पकाऊँगी और फिर इसको डिश आउट करके आप ये थोड़ी देर पकाऊँगी इसको, क्योंकि आटा कच्चा ना रह जाए, कच्चा ना हो आटे का वो मज़ा ना आए। तो थोड़ी देर पकाऊँगी इसको मैं, पकाने के बाद फिर जब ये तैयार हो जाएगी तो फिर डिश आउट करूँगी। आटा डालने के बाद हमने इसको काफ़ी पका लिया है नहारी को, और अब ये जो है इसमें आटे का कच्चापन ख़त्म हो गया होगा। अब हम इसको तैयार है हमारे पास और अब हम इसे डिश आउट करेंगे और फिर आपको बताते हैं। तो चलें आप जल्दी से बस खाने के लिए तैयार हो जाइए और मैं अभी डिश आउट कर रही हूँ, आप ज़रूर मुझे खा के चख के बताइएगा कैसी नहारी बनी हमारी। चलें जी हमारी नहारी ये तैयार हो गई है और नहारी हमने इसको डिश आउट कर लिया नहारी को। अब हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे जनाब, इसको की डेकोरेशन करेंगे, ये तली हुई प्याज, थोड़ी सी तली हुई प्याज डाली हमने इसमें, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ज़रा से लुक भी अच्छा आता है हरी मिर्च से, ठीक है। और थोड़ा सा डालेंगे हम हरा धनिया इसमें, तो ये हमने हरा धनिया भी डाल दिया इसमें। और ये हमारे पास लेमन है, ये आप लेमन भी इसको इसके यूज़ कर देती हूँ मैं, चलें वो तो फिर बाद में भी आप। तो जनाब ये हमारी यमी सी बहुत अच्छी सी बहुत टेस्टी नहारी तैयार हो गई है, ज़रूर आप ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी अच्छी रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।